नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकल्पना है विदेश नीति, उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे विदेश नीति क्या होती है। मैं लोकेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। चलिए देखते हैं इसमें। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विदेश नीति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विदेश नीति ही वह साधन होती है, विदेश नीति वह साधन है जिसके माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने जो राष्ट्रीय हित होते हैं, यानी राष्ट्र के जो उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति विदेश नीति के माध्यम से करता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक विदेश नीति होती है और विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण आधार या विदेश नीति का जो औचित्य है वो राष्ट्र हितों पर ही निर्भर करता है। विदेश नीति जो बनाई जाती है वो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम जब राष्ट्र हित की बात करते हैं तो राष्ट्र हितों को साधने का या राष्ट्र हितों की पूर्ति का एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में काम करती है विदेश नीति। विदेश नीति क्या है? तो विदेश नीति उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जिसका प्रयोग एक राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए करता है। मतलब विदेश नीति उन उद्देश्यों, यानी राष्ट्र के जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों, योजनाओं वह क्रियाओं का वह सामूहिक रूप है जिसका प्रयोग एक राज्य या राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए करता है। यह है विदेश नीति। इस संबंध में पेडलफोर्ट एम लिंकन ने भी विदेश नीति के बारे में बताया है। उनके अनुसार विदेश नीति उन कार्यों से मिलकर बनती है जिन्हें एक राज्य राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विदेश नीति उन कार्यों से मिलकर बनती है जिन्हें एक राज्य अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं के बाहर करता है। तो पेडलफोर्ट लिंकन के अनुसार भी वही बात सामने आ रही है कि कोई भी राष्ट्र की वह नीति या उन कार्यों से मिलकर बनती है यह विदेश नीति जो अपने क्षेत्राधिकार की जो सीमाएं हैं होती हैं उनसे बाहर जाकर अपने राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाता है। तो यही विदेश नीति है। तो विदेश नीति का सामान्य अर्थ हम क्या देख सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की वह नीति जो उस राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति या उनकी पूर्ति में सहायक होती है या उनकी पूर्ति के लिए अपनाई जाती है, बनाई जाती है। तो विदेश नीति राष्ट्र के राष्ट्रीय जो हित होते हैं उनकी पूर्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम, साधन है। और विदेश नीति की जो सफलता असफलता का निर्धारण भी राष्ट्र के राष्ट्रीय राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही हम देखते हैं कि राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में विदेश नीति सफल है कि नहीं है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कहाँ तक हो रही है। ठीक है, तो विदेश नीति का जो अर्थ है वो यही है कि यह उन उद्देश्यों, योजनाओं तथा क्रियाओं का सामूहिक रूप है जिसका प्रयोग एक राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए करता है। क्लियर। विदेश नीति एवं गृह नीति, इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। विदेश नीति यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्र से बाहर, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय जो दुनिया बिरादरी है या विश्व स्तर पर जो नीति हम अन्य राष्ट्रों के को ध्यान में रखते हुए संदर्भ में अपन बनाते हैं वो विदेश नीति, और गृह नीति अपने देश की
राज्य की नीति। तो विदेश नीति एवं गृह नीति वस्तुतः एक दूसरे की पूरक होती है, इनके एक दूसरे के निरपेक्ष होने की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी विदेश नीति और गृह जो नीति होती है वो एक दूसरे के विरोध में नहीं होती है, एक दूसरे की पूरक है। ये दोनों दोनों ही राष्ट्रीय नीति की अभिन्न अंग होती है। जो किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्र की नीति होती है ना, उसका दोनों ही अंग है, गृह नीति और विदेश नीति। तथा किसी भी विदेश नीति के उद्देश्य पर उसके आंतरिक उद्देश्य हावी होते हैं। विदेश नीति जो बनाई जा रही है, अब विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों पर जो देश की जो गृह नीति होती है, देश के जो आंतरिक जो उद्देश्य होते हैं वो पहले प्रायोरिटी दी जाती है, वो हावी होते हैं। ठीक है, तो विदेश नीति और गृह नीति में ये परस्पर संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं विदेश नीति के लक्ष्य। विदेश नीति क्यों बनाई जाती है, विदेश नीति का बनाने का क्या औचित्य है? तो सर्वप्रथम पहला, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। देश की या राज्य की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, दूसरे देशों के साथ लगती हुई जो सीमाएं हैं उनके साथ सीमाओं की रक्षा करना, अन्य राष्ट्रों के साथ कूटनीतिक तरीके से वार्तालाप करके, बातचीत करके अपनी राष्ट्र की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उनको हल करना। अब जैसे हाल ही में हम देख रहे हैं भारत चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको लेकर आए दिन विवाद की खबरें आती रहती है। तो ये विदेश नीति का ही लक्ष्य है कि इन जो राष्ट्र की सीमाएं हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए, कौन से तरीके या कौन सी युक्ति के माध्यम से उनको हम रक्षित करें। तो ये भी विदेश नीति का लक्ष्य है। नेक्स्ट, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। विदेश नीति का ये भी एक लक्ष्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित रहे, बनी रहे। तो ये भी विदेश नीति का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट, राष्ट्र का आंतरिक बहुमुखी विकास करना। विदेश नीति का राष्ट्र के जो आंतरिक बहुमुखी विकास करना भी एक लक्ष्य है। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना। आर्थिक समृद्धि यानी देश की आर्थिक समृद्धि कैसे प्राप्त करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विश्व व्यापार में विदेश नीति कैसे काम में, विदेश नीति को कैसे उपयोग में लाकर या दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध स्थापित करके हम हमारी आर्थिक समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, ये भी विदेश नीति का लक्ष्य है। विदेश नीति का के द्वारा ही तो हम दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों का निर्धारण कर पाते हैं कि किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध हैं। ठीक है, तो अच्छे संबंध बना के तो व्यापार को बढ़ा सकते हैं, निर्यात को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आर्थिक समृद्धि भी इसके माध्यम से प्राप्त करना जरूरी विदेश नीति का लक्ष्य है। वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना, सैन्य शक्ति में वृद्धि करना, सैन्य जो क्षमता है, शक्ति है, उसमें वृद्धि करना। और एक महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय स्वाधीनता व अखंडता की रक्षा करना, ये भी विदेश नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, राष्ट्रीय स्वाधीनता व अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट, राज्य की जो संस्कृति होती है, अपनी राष्ट्र की जो संस्कृति है उसका विस्तार भी करना विदेश नीति का लक्ष्य है। तो ये सभी विदेश नीति के क्या होते हैं, मुख्य लक्ष्य हैं, जिनको ध्यान में रखकर प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है या बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विदेश नीति के निर्धारक तत्व। विदेश नीति जो बनाई जाती है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, जो विदेश नीति को बनाने में या विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है भू अवस्थिति मतलब भौगोलिक स्थिति कैसी है किसी भी राज्य की या देश की। भौगोलिक स्थिति यदि ठीक है या भौगोलिक स्थिति पर बहुत महत्व डिपेंड करता है विदेश नीति की, उस राज्य की विदेश नीति किस प्रकार की होगी, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाई जाती है। जैसे कि नेपोलियन ने भी कहा है कि किसी भी राज्य की विदेश नीति के निर्धारण में वहाँ के भूगोल का महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है।
तो भू अवस्थिति किसी देश की किस प्रकार की है, सामुद्रिक क्षेत्र है कि या सामुद्रिक क्षेत्र नहीं है, या उसकी भू अवस्थिति कैसी है, उसके आधार पर विदेश नीति का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा, देश के भौगोलिक संसा मतलब प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार है, प्राकृतिक दृष्टि से वो संपन्न है या नहीं है, इस ये भी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण में भूमिका निभाता है। प्राकृतिक संपदा, जनसंख्या, जनसंख्या भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जनसंख्या, जनसंख्या अधिक है कम है ये भी प्रभावित करते हैं विदेश नीति को। जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन रोज़गार नहीं है तो नुकसानदायक है, वहाँ रोज़गार की कमी है या प्राकृतिक संसाधन की कमी है तो ये भी प्रभावित करती है। औद्योगिक संपदा, किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक संपदा यानी वहाँ की वहाँ पे विज्ञान तकनीकी का कितना क्या स्तर है, टेक्नोलॉजी कैसी है, औद्योगिक विकास का स्तर कैसा है, ये भी विदेश नीति के निर्धारण को प्रभावित करता है। औद्योगिक संपदा, सैन्य क्षमता कि राज्य देश की सैन्य क्षमता कैसी है, सेना की जो क्षमता है वो सही है या कमज़ोर है या मजबूत है, सैन्य संख्या कैसी है, सेना के पास आयुध वगैरह हथियार वगैरह या टेक्नोलॉजी कैसी है, सैन्य ये क्षमता को भी ये भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विचारधारा, देश की जो विचारधारा होती है, प्रत्येक राज्य की विचारधारा होती है वो भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विदेश नीति निर्माता, विदेश नीति जो बनाने वाले होते हैं उनके व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो भी विदेश नीति के ऊपर पड़ता है, तो विदेश नीति के जो निर्माता है वो भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व जनमत, राष्ट्र के प्रति विश्व का जनमत कैसा है, कोई राज्य है वो अपनी विदेश नीति बनाने में विश्व अन्य विश्व के अन्य देश उसके बारे में या विश्व के दुनिया के विभिन्न देशों की जनता या लोगों का मत कैसा है, ये भी प्रभावित करता है विदेश नीति को। सार्वभौमिक एवं क्षेत्रीय संगठन, सार्वभौमिक और क्षेत्रीय संगठन होते हैं वे भी विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, जैसे यूएनओ है, नाटो है, तो ये आसियान है, सार्क है, ये भी विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति, उस राज्य की भाषा कैसी है, किस धर्म नस्ल और संस्कृति इत्यादि, ये सभी भी विदेश नीति के निर्धारण के महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि विदेश नीति के जब बनाई जाती है तो उसमें किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, किन किन तत्वों की भूमिका होती है, जैसे भू अवस्थिति है, प्राकृतिक संपदा, जनसंख्या, औद्योगिक संपदा, सैन्य क्षमता, विचारधारा, विदेश नीति निर्माता, विश्व जनमत, सार्वभौमिक एवं क्षेत्रीय संगठन एवं भाषा, धर्म, नस्ल और संस्कृति इत्यादि। अंत में हम देखते हैं विदेश नीति के उपकरण या साधन कौन कौन से हैं। संधि वार्ता और संधि। जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, सीमा को रेख राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर या और कोई भी बात को लेकर, तो जब विवाद हो जाता है तो उसके समाधान के लिए जब दोनों राष्ट्र या जिनके बीच में विवाद हुआ है संबंधित राष्ट्र, उसको सुलझाने के लिए या उसको हल करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए जब संधि वार्ता आयोजित करते हैं, संधि वार्ता यानी संधि के लिए बातचीत करते हैं, तो वह है संधि वार्ता पहला। दूसरा, संधि वार्ता के दौरान जब संधि के लिए बातचीत चल रही है उस दौरान यदि जिनके बीच में विवाद है उसमें से यदि वो सहमत हो जाते हैं परस्पर आपस में और कोई निश्चित निर्णयों पर सहमत होकर संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो यह संधि है। तो इस प्रकार विदेश नीति के उपकरण या साधन दो हैं, संधि वार्ता व संधि। ठीक है, तो आज के हम इसमें इस टॉपिक विदेश नीति के बारे में इसमें देखा इस वीडियो में कि विदेश नीति क्या है, विदेश नीति के लक्ष्य क्या है और उसके निर्धारण कैसे
के तत्व कौन कौन से हैं और उसके उपकरण कौन कौन से हैं। धन्यवाद।